नमाज कहाँ पढ़ जाती है यहाँ पे? उस बदरुद्दीन बाबा मंदिर पे, जहाँ मंदिर है। साधु के लिबास में बाबा ने कहा यहाँ पढ़ी जाती थी नमाज, भड़क गए भक्त। आगे जो हुआ वो हैरान कर देगा। सोशल मीडिया पर साधु का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर भक्त बुरी तरह भड़क गए हैं। तो बाबा ने वीडियो में ऐसा दावा कर दिया जो वायरल हो गया है। यूट्यूबर रोहित पहाड़ी ने अपने यूट्यूब चैनल रोहित पहाड़ी व्लॉग पर उत्तराखंड के माणा इलाके में एक साधु से बातचीत का वीडियो अपलोड किया था। वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाबा ने दावा किया है कि बदरुद्दीन बाबा का मंदिर है, वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी, जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद थी। बाबा की ये बात सुनकर भक्त भड़क जाते हैं। बाबा अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहते हैं, कभी पता कर लीजिएगा कि आपका नारायण का जो मूर्ति है उसको खंडित करके कहीं गुफा में फेंक दिया था। बाबा आगे कहते हैं, ये बदरुद्दीन बाबा था, केदारुद्दीन बाबा था, यहाँ अकबर ने राज किया है। साधु की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद भक्त भड़क जाते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स ने इस मामले में कहा, महोदय आरोपी कहाँ का है, उसे कोई बीमारी तो नहीं है, साधु है, कृपा कर कठोर ना बनना, सत्यापन कर कार्रवाई करना, आजकल वीडियो एडिट भी होते हैं। सुधीर कुमार चौबे नाम के एक यूजर ने कहा, उचित कदम साथ में समाज के हर धर्म के विरुद्ध गलत बोलने पर ऐसा ही होना चाहिए। सैम खान नाम के एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया, आदमी पूरी तरह गलत नहीं है, कई मजार और मुस्लिम सूफी संत हैं जिन्हें मंदिरों में बदल दिया गया है। ऐसा ही एक उदाहरण पुणे में है, कानिफ नाथ नामक एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ एक चमत्कारी गेट मिला है। मैं मजार देखने के लिए अंदर गया, बाद में पता चला कि ये कभी खान बाबा थे। मिस्टर रिएक्शन वाला ने इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा, अब इसको साधु जिहाद बोलोगे क्या? नमाज फारसी शब्द है। जब कोई इंसान एक ईश्वर और उसकी वाणी की उपासना करता है तो उसे फारसी भाषा में नमाज, अरबी में सलाह और संस्कृत में दर्शन कहते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी। उत्तराखंड पुलिस द्वारा ट्विटर पर लिखा गया, सोशल मीडिया पर श्री बद्रीनाथ व श्री केदारनाथ धाम के विषय में तथा कथित साधु द्वारा अभद्र टिप्पणी करने के विषय प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेते हुए चमोली पुलिस द्वारा इस संबंध में कोतवाली श्री बद्रीनाथ में शानंतु विश्वास के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें, यूट्यूबर रोहित पहाड़ी ने विवादित वीडियो को अपलोड करने को लेकर माफी मांगी है। रोहित पहाड़ी ने अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल से विवादित वीडियो को हटा दिया है। फिलहाल आरोपित साधु शानंतु विश्वास की तलाश की जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट आप तक पहुंचती रहे।